27 दिसंबर फर्रुखाबाद महोत्सव को लेकर फंसा पेंच, बैठक स्थगित, अगली बैठक में होगा निर्णय। 27 दिसंबर और 10 नवंबर पर आगामी बैठक में लिया जाएगा निर्णय। फिलहाल सरकार बजट गोल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी छत्तर न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी छत्तर न्यूज। फर्रुखाबाद स्थापना दिवस को लेकर एक बार फिर दो तारीखों का जिन बोतल से बाहर आ गया है। कई वर्षों से मनाते चले आ रहे 27 दिसंबर 1714 की दिनांक के अनुसार रजत जयंती समारोह पर भाजपाइयों ने उंगली उठाते हुए नई तारीख 10 नवंबर को मनाने की बात कही। आपको बताते चले कि जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधीश संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में फर्रुखाबाद महोत्सव को रजत जयंती समारोह के रूप में मनाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें आला अधिकारियों के साथ भाजपा जनप्रतिनिधि एवं जिले के गणमान्य व्यक्तियों के साथ कई नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई और चर्चा के दौरान स्थापना दिवस मनाए जाने की तारीख का जिन बोतल से बाहर आ गया और भाजपा नेताओं ने 27 दिसंबर 1714 का विरोध करते हुए उसकी अपेक्षा 10 नवंबर का मुद्दा रख दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपाइयों के अनुसार 10 नवंबर को स्थापना दिवस क्यों नहीं मनाया गया, जबकि बीते कई वर्षों से सामाजिक संगठनों द्वारा 27 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते लोग अपनी तैयारियों में जुटे हैं और आमंत्रण भी बढ़ चुके हैं, परंतु बैठक के दौरान 10 नवंबर का मुद्दा उठाकर भाजपाइयों ने मामला गर्मा दिया। बैठक के दौरान कई फर्रुखाबाद प्रेमियों ने फर्रुखाबाद गजेटियर का हवाला भी दिया और बताया कि नवाब मोहम्मद खां बंगश ने 27 दिसंबर सन 1714 दिल्ली के सम्राट फर्रुख शियार के नाम पर फर्रुखाबाद की स्थापना की, परंतु भाजपाई 10 नवंबर का हवाला देते रहे। आपको बताते चले कि जिलाधीश ने बताया कि इस बार फर्रुखाबाद स्थापना दिवस मनाने हेतु सरकारी बजट भी नहीं मिला है। इसके बाद जिलाधीश ने बैठक को स्थगित करते हुए जल्द ही दूसरी बैठक बुलाने की बात करते हुए कहा, इसको कब ये महोत्सव कब आयोजित किया जाए, क्योंकि समय इसकी तैयारी में भी लगेगा ही, तो हम समझते हैं इसकी एक बैठक और हम लोग शीघ्र करेंगे। तब तक हमारे अधिकारी जो है एक बैठक अपनी कर लें और जो इसकी एक राशि मिलती है शासन से उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि अभी जैसा जानकारी की गई कि अभी उसका कोई पत्र वगैरह से कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई है। और इस बार थोड़ा सा एक इशू और भी है कि हमारे यहाँ जो टूरिस्ट अफसर हैं वो भी नहीं है, यहाँ पर एक मैनपुरी में है वही। अच्छा, तो आ नहीं पाते हैं, जो है हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए अभी आज मैंने बात किया था। एक किसी को चार्ज दे दीजिए, वो सर हमारी तरफ से शासन को सूचित कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ शीघ्र इसकी एक बैठक और करेंगे, तब तक हम लोग थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जा करके उसकी तैयारी एक आकलन कर लें। ठीक है, धन्यवाद। बैठक के दौरान फर्रुखाबाद इतिहासकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने गजेटियर के अतिरिक्त कई इतिहास की किताबों का हवाला दिया। वहीं अमृतपुर विधायक सुशील शाह के भाजपाइयों का समर्थन करते रहे और बताए, महोत्सव रामकृष्ण राजपूत के नेतृत्व में पिछले 20-22 वर्षों से होता रहा है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक जनपद को अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए। जिस प्रकार से हर व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, राष्ट्र का स्थापना दिवस होता है, फर्रुखाबाद जनपद जिसे हम बोलते हैं उसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। फर्रुखाबाद जनपद का मतलब फर्रुखाबाद जिला,
अभी जो विषय उठा, पहले भी उठा था कि फर्रुखाबाद नामकरण कब हुआ। अब फर्रुखाबाद जब नामकरण हुआ तो फर्रुखाबाद में क्या क्या आता था नहीं मालूम, कौन कौन सा एरिया था, लेकिन जो वर्तमान फर्रुखाबाद जिला है ये संरचना अंग्रेजों के द्वारा 10 नवंबर को की गई थी, इसलिए इसके जन्मदिन की तारीख 10 नवंबर को मानी गई इतिहासकारों ने। लोग सुझाव दे रहे थे कि जब फर्रुखसियर के नाम पर फर्रुखाबाद की स्थापना हुई उसे स्थापना दिवस मानना चाहिए, लेकिन वो जनपद का स्थापना दिवस नहीं था, जनपद का स्थापना जो हुई है वो अंग्रेजों ने की, उससे पहले जनपद की कल्पना थी नहीं, पहले तो राज्य हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थी। अंग्रेजों ने प्रदेश को और जनपदों को बांटा है। बैठक स्थगित होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आगामी वर्ष से फर्रुखाबाद महोत्सव की तिथि निर्धारित करने का निर्णय आगामी बैठक में लिया जाएगा और फर्रुखाबाद महोत्सव को पूरी भव्यता से मनाने हेतु शासन से भी बजट की मांग की जाएगी। मौके पर मौजूद सपा नेता यूनुस अंसारी ने दिनांक 27 दिसंबर का समर्थन करते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया। को भगाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, आज उस अंग्रेजों के तारीख को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, इससे बड़ा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। ये अंग्रेजों ने जब उनको अपने कलेक्टर को यहाँ बिठाना था हम भारतीयों पर जुल्म करने के लिए, तो उन्होंने जब कलेक्ट्रेट का उद्घाटन किया था, गठन किया था, तो 10 तारीख को किया था और उस तारीख से तो हम हर भारतवासी को, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या पारसी क्या जैन क्या ईसाई क्या कांग्रेस क्या बसपा क्या भाजपा, सबको उसको एकदम समुचित विरोध करना चाहिए। इसलिए कि ये तो इन फिरंगियों को तो भगाने के लिए हमारे बच्चों ने, नौनिहालों ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, सबने जान कुर्बानी की, और रहेगी फर्क उनकी बात तो वो तो भारत की के और यहीं के रहने वाले यहीं की मिट्टी में मिलेगी। और अंग्रेजों से उस घर में 6 फ्रीडम फाइटर रहे, 6 लोगों को फांसी की सजा दी गई, 2 लोगों को काला पानी मिला, उनके एक बड़े भाई को वहाँ देश बदर कर दिया गया। तो इसलिए ये बड़ा दुखद है जो इसका स्थापना दिवस जो 27 दिसंबर 14 जो है वो वही होना चाहिए, और यही हम भारत भारतीयों के लिए ये गर्व की बात होगी। और अगर उसको हम मनाते हैं 10 तारीख को अंग्रेजों की दी तारीख को, तो हम भारतीयों के लिए निश्चित रूप से ये शर्म की बात होगी। इसलिए दलगत राजनीति से उठ के हाँ, और भारत माता की पीड़ा को जो सहे और जो भारत माता को लहूलुहान किया गया जिन लोगों ने किया हाँ, उनका नाम और उनके डेट से हमें निश्चित रूप से बचना चाहिए। और